अमेरिका के कैलिफोर्निया में सैन होजे में सैप सेंटर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धमक, और आज जिस अंदाज में उनका भाषण हुआ, तीन तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। मोदी मोदी की गूंज थी, नारे थे, हर कोई एक लम्हे के लिए उनका स्पर्श करना चाहता था, करीब से उनको देखना चाहता था। इधर जनता का उन्होंने शुक्रिया किया और वहां पर मौजूद तमाम जो आईटी से जुड़े लोग हैं उनके बारे में कहा कि ब्रेन ड्रेन नहीं है जो हिंदुस्तान से हमेशा की चिंता रही है, ये ब्रेन डिपॉजिट है और जब भी हिंदुस्तान को जरूरत पड़ेगी आप अपना योगदान जरूर दें। मेरा भारतवासियों को उन्होंने वहां पर तोहफा भी दिया, सैन फ्रांसिस्को से डायरेक्ट फ्लाइट सप्ताह में 3 बार। लेकिन प्रधानमंत्री का एक अनूठा तरीका भी होता है, जब जब विदेश की धरती में वो बोलते हैं तो हिंदुस्तान की राजनीति की भी बू कहीं ना कहीं उसमें आ ही जाती है, कांग्रेस को मिल जाता है मौका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर किया है करारा हमला, एक बार फिर से बेटा बेटी और दामाद का जिक्र किया। कोई बेटा 250 करोड़ कमा रहा है, उन्होंने ये सब कहा और फिर ये भी कहा कि मुझ पर ऐसा कोई भी आरोप नहीं। एक बार जरा सुनिए क्या कहा प्रधानमंत्री। हमारे देश में राजनेताओं पर कुछ ही समय में आरोप लग जाते हैं, इसने 50 करोड़ बनाया, उसने 100 करोड़ बनाया। बेटे ने 250 करोड़ बनाया, बेटी ने 500 करोड़ बनाया, दामाद ने 1000 करोड़ बनाया। चचेरे भाई ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, मौसेरे भाई ने फ्लैट बना दिया, ये सुनने को मिलता है कि नहीं मिलता है? ये सुन सुन करके कान पक गए कि नहीं पक गए? देश निराश हो गया कि नहीं हो गया? भ्रष्टाचार के प्रति नफरत पैदा हुई कि नहीं हुई? गुस्सा पैदा हुआ कि नहीं हुआ? मेरे देशवासियों, मैं आज आपके बीच में खड़ा हूं, है कोई आरोप मुझ पे? है कोई आरोप? आज भी मैं देश को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम जिएंगे तो भी देश के लिए, और मरेंगे तो भी देश के लिए। भ्रष्टाचार पर गुस्सा एक ऐसी कमजोर नब्ज है जिसको प्रधानमंत्री हर जगह छूते हैं और उसी तरह से उसका रिएक्शन भी मिलता है। लेकिन इस बीच आतंकवाद पर एक सख्त टिप्पणी और बयान उन्होंने दिया, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन बता दें हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, अमन सिन्हा जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं और राजीव डोगरा जी फॉर्मर डिप्लोमैट हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों से चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री के इस भाषण का, राजनीति का बार बार ऐसे भाषणों में विदेश में पहुंच जाना क्या मायने रखता है। राशिद अलवी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार सुन लीजिए सख्त टिप्पणी, सख्त अंदाज और इसी के साथ विश्व के तमाम देशों को यह हिदायत देते हुए कि अच्छा आतंकवाद और बुरे आतंकवाद के बीच में फंसाना छोड़िए, एक ईमानदार जंग तो लड़िए। अगर दुनिया की मानवतावादी शक्तियां एक हो, मानवता में विश्वास करने वाले लोग एक हो, तो आतंकवाद को भी परास्त किया जा सकता है और ग्लोबल वार्मिंग से भी दुनिया को बचाया जा सकता है और उस रास्ते पर हम चल सकते हैं। उन चुनौतियों को हमने स्वीकार किया है, भारत पूरी तरह सज्ज है हर संकटों का सामना करने के लिए, और आज विश्व में हम जहां भी जाते हैं
इस विषय की गंभीरता पूर्वक चर्चा करते हैं। हमने यूएन पर भी दबाव डाला। यूएन की 70वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, लेकिन अभी तक यूनाइटेड नेशन टेररिज्म की डेफिनेशन नहीं कर पाया है। अगर डेफिनेशन करने में इतना वक्त लगेगा तो टेररिज्म को निपटने में कितने साल लगेंगे। मैंने दुनिया के सभी देशों को चिट्ठी लिखी है। रवाना होते हुए जैसा कि हमने आपको बताया था, यहां से उनको वॉशिंगटन के लिए जाना है। एक के बाद एक, बैक टू बैक आप कह सकते हैं, तमाम जो उनका प्लान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भाषण देने के बाद सैप सेंटर सैन होजे से निकलते हुए और आगे अपने सफर पर बढ़ते हुए। प्रधानमंत्री सैन होजे से निकलते हुए और इस बीच जो भाषण उन्होंने दिया है आज, एक बार फिर से उसका रुख करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल कवल हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे किस तरह वहां पर जबरदस्त उत्साह और जोश देखा गया, एक जबरदस्त भाषण भी उन्होंने दिया है। सीधे पहले राहुल का रुख करते हैं, फिर आपको सुनाएंगे। जैम का भी उन्होंने जिक्र किया। राहुल, कई सारे उतार चढ़ाव उनके इस भाषण में आए, राजनीति के भी रंग दिखे और तालियां खूब बजी, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, बेटा बेटी और दामाद का जिक्र हो, वहां से लेकर आतंकवाद पर एक सशक्त और सख्त संदेश। क्या कह रहे हैं? एकदम सही कह रही हैं आप अंजना। इस वक्त हम लोग सैप अरीना के ठीक बाहर हैं और कई सारे लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के बाद यहाँ पर सैप अरीना के बाहर हैं। आइए उनमें से कुछ लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री जो तमाम बातें कही उनमें से सबसे ज्यादा आपको क्या भाया। मेरे को सबसे अच्छी चीज लगती है उनकी, कि उनका कमिटमेंट, एक वो चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे और एक संघ के प्रचारक होने के खातिर नायक, उनका एक कथन जो है इतना बढ़िया है। और जब वो कहते हैं कि हमें एक भ्रष्टाचार मिटाना है और गरीब जितना है, मतलब 125 करोड़ लोगों की जब वो बात करते हैं और कहते हैं 50% इंसान, 50% गरीब अभी भी उसका बैंक अकाउंट नहीं है, मतलब एक सरप्राइज वाली बात है। कि आपको कौन सी प्रधानमंत्री की बात सबसे अच्छी लगी? उनका कॉन्फिडेंस और कमिटमेंट भारत देश के लिए, जो उन्होंने आज जो बात बोली है और जो कमिटमेंट बताया है, वो कमिटमेंट सबसे अहम चीज लगी हमें। यहाँ पे बैठे लोग कुछ करेंगे हिंदुस्तान के लिए? जरूर जरूर करेंगे, जरूर से करेंगे। मैं पहले अपनी एक बात रखना चाहता हूँ, मैं एक कश्मीरी पंडित हूँ। मैं और मेरी फैमिली 1990 मार्च में माइग्रेंट हो गए हैं, अपने ही मुल्क में हम माइग्रेंट हो गए हैं। सारे कश्मीरी पंडित सारे हिंदुस्तान के विभिन्न विभिन्न। आप बताएं आपको क्या लगा प्रधानमंत्री की स्पीच के बारे में? उसने जो जेएम बोला, दैट वाज अ वेरी इंप्रेसिव आइटम। दैट कितने गरीबों का करोड़ रुपया का खाता फर्स्ट टाइम ये इंडिया में हुआ है, जो हम लोग सोचने भी नहीं सकता था। अनइमेजिनेबल। He is very very inventive and he can always bring. आपको क्या प्रधानमंत्री की स्पीच के बारे में खास लगा? Well, first thing, I feel really close and connected to my country. You know, being a matter of fact that we are on West, you know, we kind of overlooked because most of the. आपके गाल पे एक अमेरिका का झंडा है, एक हिंदुस्तान का, इनमें से दोनों से ज्यादा प्यारा कौन सा है? Well, मुझे दोनों से ही प्यार है, बिकॉज मैं यहाँ पर आकर अपनी एजुकेशन के बाद यहीं सेटल हुआ था। सो अमेरिका गेव मी एन अपॉर्चुनिटी, इज लाइक एन अपॉर्चुनिटी, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर मी, यू नो। बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज आई वाज बोर्न इन इंडिया, यू नो, बट इंडिया, आई मीन इंडिया की वजह से ही मैं यहाँ पर। पीएम ने जो सब बातें बोली उनमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे पहली बात तो ये है कि इतना कनेक्ट किया हर एक बात को
पे हम इतना कनेक्ट किया और हमें ऐसा लग रहा था कि वो हर एक आदमी से बात कर रहे हैं। जब वो कोई भी कंट्रीब्यूशन मांग रहे थे सो ऐसा लग रहा था कि हम बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और बहुत छोटे छोटे हमें उपाय करने हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आप यहाँ रहते हैं तो अपने गाँव पे, अपने छोटे छोटे अगर कस्बों पे, अगर आप स्कूल्स पे कुछ वो करें, ऐसे छोटे छोटे चीज से ये भारत बदलेगा और ये जरूर बदलेगा। बताएं आपको क्या अच्छा लगा? सबसे ज्यादा बात अच्छी हमें उनकी ये लगती है कि वो ऑलवेज ऑनेस्टी से बात करते हैं, दिल टू दिल कनेक्ट करते हैं और सीधा जो भी है स्पष्टता से बोलते हैं। सो ऑनेस्टी इज द वे टू एवरीबॉडीज हार्ट एंड वी लव दैट अ लॉट। आपने काफी खूब ड्रेस पहनी। We are from Gujarat, Garvi Gujarat. Women's you know, मोदी जी ने जो आज बात बताई कि उनका मेन जो था कि भाई गरीबी हटाओ, जो उन्होंने गरीबों के लिए जो किया जनधन योजना, दैट इज द बेस्ट थिंग ही स्टार्टेड इट एंड यू नो ही इज लुकिंग आफ्टर द पुअर पीपल ऑफ इंडिया। बेटी बचाओ, एवरीथिंग। पीएम ने अपील की कि ब्रेन ड्रेन को रिवर्स करने का वक्त आ गया है, ब्रेन ग्रेन में बदलने की जरूरत है, ब्रेन में जो डिपॉजिट हुआ उसको। राहुल का रुख फिर से करेंगे तो देखिए गुजरात का भी बोलबाला वहां पर मौजूद दर्शकों में। सच्चाई, ईमानदारी, दिल की बात, मन की बात, यही है जो भाती है मोदी की बात, ये कहना है वहां मौजूद लोगों का। लेकिन कई सारे सवाल हैं। जिस जैम का जिक्र किया एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कि उन्हें वो बात बहुत पसंद आई, उसी जनधन योजना में एक सच्चाई ये भी है कि 46% खुले हुए खाते, अभी भी एक पैसा उसमें नहीं है। बहुत सारी चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों के बीच प्रधानमंत्री की तमाम कोशिशें हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। राशिद अलवी जी भी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद ही हम सबसे बातचीत कर पाएंगे। आपको इस बीच बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैन होसे से निकल चुके हैं और इस भाषण पर क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि राशिद अलवी जी बेटा बेटी और दामाद का भी जिक्र हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सैन होसे के सैप सेंटर में भाषण। हमारे साथ कई खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अमन सिन्हा जी, राशिद अलवी जी जुड़े हुए हैं। लेकिन इससे पहले कि राजनीति हावी हो, राजीव डोगरा साहब, मैं एक बार आपके पास आना चाहती हूं ये जानने के लिए कि एक पूर्व राजनयिक के नजरिए से आप इस भाषण को कहां पर आंकते हैं, क्योंकि इसी सैन होसे सेंटर में अप्रैल में अभी हाल में शो हुआ था और वहां पर जो एक से एक सितारे हैं आरियाना ग्रांडे से लेकर माइली साइरस, 12,000 लोग पहुंचे थे। आज उससे कहीं ज्यादा भीड़, भारतीयों का वहां पर मौजूद होना, जिस रसूख के साथ प्रधानमंत्री ने भाषण दिया है, क्या असर? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि 1.5 साल के बाद भी प्रधानमंत्री उतना ही मंत्रमुग्ध कर लेते हैं लोगों को जैसे उन्होंने मैडिसन स्क्वायर गार्डन में किया था। पर एक दो चीजें जो डिफ्रेंशिएट करती हैं, मेडिसन स्क्वायर गार्डन में उनका अराइवल ऑन द सीन भाषण था। और थोड़ा सा वो कुछ चीजों में सीख रहे थे, टेंटेटिव हो रहे थे कि जैसे जो अमेरिकन लीडर्स वहां पे आए थे मेडिसन स्क्वायर गार्डन में, उनको वो एक्नॉलेज नहीं कर पाए थे। आज जो है वो कॉन्फिडेंस आ गया है कि हर एक को एक्नॉलेज करना जरूरी है ताकि उनके जाने के बाद भी रिश्ता इंडियन कम्युनिटी और अमेरिकन लीडरशिप का बना रहे। तो एक तो बहुत भारी फर्क है। दूसरी चीज ये है कि इन अ वे ये एक रिपोर्ट कार्ड भी था अपना, जो वो सिर्फ समुदाय जो वहां पे मौजूद था उसको नहीं एड्रेस कर रहे थे, बल्कि भारतीय समुदाय को बैक होम उसको भी एड्रेस कर रहे थे कि भाई मैंने कितना काम किया और आपको कैसा लगा। पर सबसे जरूरी बात यह है जो विश्व को जो एड्रेस कर रहे थे टेररिज्म के ऊपर, क्योंकि टेररिज्म के ऊपर काफी कंफ्यूजन है और उस कंफ्यूजन में दो चीजें आती हैं। एक तो आप अभी तक पाकिस्तान के दबाव के कारण टेररिज्म की परिभाषा नहीं बना पाए, तो ये विश्व को ये जो दोहरा रवैया हमेशा से रहा है आतंकवाद के मुद्दे पर। सर, मैं लौटूंगी आपके पास। राशिद अलवी जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें उन्होंने बताई, कैसे या एक तो रिपोर्ट कार्ड की बात, उन्होंने कहा कि जैम एक बड़ी उपलब्धि है हमारी, उसमें आपके आधार वाला जो सिस्टम है उसका भी उन्होंने जिक्र किया, बेटा बेटी दामाद तक भी पहुंचे। राशिद जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? राशिद जी तक आवाज नहीं जा रही है, चलेंगे उनके पास। अमन जी, आपसे मैं एक बार प्रधानमंत्री के भाषण के उस हिस्से पर जाना चाहती हूं जहां उन्होंने कहा कि मुझे सर्टिफिकेट चाहिए आप लोगों का, क्या मैंने काम किया है, कोई कसर अपनी तरफ से छोड़ी है। तो कई लोग ये पूछने लगे कि ये सिर्फ
जो विदेश में बैठे भारतीय हैं, अमेरिका में बैठे भारतीय, उनके लिए है या हिंदुस्तान में भी इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे? अमन सिन्हा जी, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? राशिद जी, आपको आवाज पहुंच रही है मेरी? जवाब दीजिए। बाद पिछली 28 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मैडिसन स्क्वायर गार्डन में अपना भाषण दिया था, और आज, हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है अंजना? हाँ, जी बोले बोले बोले। आपको आवाज आ रही है अंजना जी? बिल्कुल, बोले आप अपनी बात पूरी। अंजना जी, आप सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल सुन रहे हैं सर, आप अपनी बात पूरी करें। आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज पहुंच रही है अमन सिन्हा जी, आप अपनी बात पूरी करें, जिसके बाद मैं राशिद जी के पास फौरन जाऊंगी। हाँ, मैं यही कह रहा था, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो जादू, जो करिश्मा है, वो फिर एक बार एक साल बाद अमेरिका की धरती से पूरे विश्व में दिखा, और जो उनका देश के लिए काम करने का जो जज्बा है और जो जुनून है और जो उन्होंने किया। वो सब स्पष्ट रूप से दिखा, और वहां पे आपने देखा कैसा एक इलेक्ट्रिक, एक चार्ज एटमॉस्फेयर था, और इस तरह का जो है एक अविस्मरणीय वातावरण, मुझे नहीं लगता कि विश्व का और कोई भी देश, कोई भी नेता किसी विदेश में जाके वहां की धरती पे क्रिएट कर पाता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं ये भी कहना चाहूंगा अंजना जी कि उन्होंने जो बात बताई कि आज भारत एक इमर्जिंग सुपर पावर है, और किसी भी नजरिए से देखें आज भारत विश्व की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जो उन्होंने टेररिज्म पे बात कही, जो उन्होंने ब्रेन ड्रेन को लेके कहा कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं, एक ब्रेन गेन कहलाएगा। हाँ। तो ये सभी बातें अपने में अभूतपूर्व थी और बहुत ही एक लैंडमार्क, एक हिस्टोरिकल स्पीच के नाते। लेकिन इन सब के बीच उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी टिप्पणी की, और राशिद अलवी जी, अब मैं आपकी प्रतिक्रिया इस पर जल्दी से चाहती हूं, क्योंकि उन्होंने एक तो जिस जैम का जिक्र किया उसमें बीच का ए आपका दिया हुआ है, यूपीए सरकार का, और दूसरा उन्होंने बेटा बेटी और दामाद तक बात को पहुंचाई। राजीव डोगरा जी, क्या इसकी जरूरत होती है कि हिंदुस्तान की राजनीति वहां पर पहुंचे, या फिर सिर्फ एक जो लोगों की नब्ज है उसको छूने के लिए प्रधानमंत्री का ये बोलना भी कुछ हद तक सही है? देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल इशू पे तो टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वो उसके ऊपर मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, पर एक जो कन्वेंशन है इंडियन पॉलिटिक्स की वो ये है कि बाहर जाके आप अपने देश की जो अंदरूनी राजनीति है उसकी बात नहीं करते। तो अब बेटा बेटी किस संदर्भ में कहा गया, इसके ऊपर मैं ना कुछ कहना चाहूंगा और ना कुछ इसके ऊपर मेरे को मालूम है। अमेरिका में मोदी गिरी, जी हाँ, सैन होजे के सैप सेंटर में जबरदस्त भाषण प्रधानमंत्री की तरफ से, वहां पर मौजूद भारतीयों में जबरदस्त उत्साह इसका, लेकिन आने वाले वक्त में किस तरह का असर होता है, हिंदुस्तान की राजनीति का कैसा रंग और असर दिखा, हमारे साथ सभी खास मेहमान बने हुए लगातार, जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। राशिद अलवी जी, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? किन्हीं कारणों से उनसे अभी तक संपर्क नहीं हो पाया, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है राजीव डोगरा जी, कि हिंदुस्तान क्या उस नब्ज पर हमला करने में कामयाब होता दिखेगा, जहां पर आतंकवाद को लेकर कई सशक्त देश इस विश्व के दोहरा रवैया अपनाते हैं, अच्छा आतंकवाद बुरा आतंकवाद में बांटकर आतंकवाद की लड़ाई को कमजोर करते हैं। आज सीधे इस मंच से एक तरह से ललकारा है प्रधानमंत्री ने, पाकिस्तान का नाम लिए बिना सख्त टिप्पणी की है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंजना, कि पाकिस्तान का नाम लिए बिना उन्होंने साफ कहा है कि जब तक आप इस झंझट में फंसे रहेंगे कि अच्छा आतंकवाद और बुरा आतंकवाद क्या है, तो दुनिया आतंकवाद को सामना कर नहीं पाएगी और डिफीट कर नहीं पाएगी। और आइसिस जो है वो एक बहुत भयंकर रूप ले रहा है, जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया, पर इस सब के पीछे पाकिस्तान
जो है, जिसको गिल्टी फीलिंग जो कहते हैं, उसके कारण वो आतंकवाद की परिभाषा भी नहीं होने देना चाहता। और जो अच्छा बुरा का जो सवाल है वो भी पाकिस्तान ने ही शुरू किया था कि भाई तालिबान अच्छे हैं, अलकायदा खराब है। अब जिसका खून हो गया है वो मर के या उसके परिवार वाले या सोसाइटी ये तो नहीं सोचती कि ये खून जो हुआ है ये अच्छे आतंकवाद से हुआ या बुरे आतंकवाद से हुआ है, ये हुआ है सिर्फ आतंकवाद से। तो ये आज उन्होंने संदेश दिया है कि भाई अब बहुत वक्त हो गया, 40-50 साल हो गए अब इसी चीज में कंफ्यूजन में झुलस रहे हैं, और उसका सामना कैसे करेंगे। तो अब जो है कल परसों जो न्यूयॉर्क में वो उनकी मीटिंग्स होंगी और यूएन में जो बात होगी उसकी उन्होंने एक फाउंडेशन बनाई है, और इससे अच्छी जगह क्या हो सकती है। अब तो इन्हें वे जो सोशल मीडिया है वो भी यूएन से बढ़ के एक चीज हो गई है कि सारी दुनिया की ओपिनियन उस इन्फ्लुएंस करती है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा उन्होंने किया कि एक सोशल मीडिया की जो गैदरिंग थी, जो इंडियंस आज गैदर हुए थे सैप सेंटर में, वो सारे सोशल मीडिया के माहिर हैं एक वजह से या दूसरी वजह से, और अमेरिकन भी वहाँ ओपिनियन मेकर्स प्रेजेंट थे। तो उन सबको जो मैसेज दिया गया है मेरा ख्याल वो बहुत अच्छा मैसेज गया है। और दूसरी बात ये है कि वो जो अपनी बातें जो उन्होंने की इस मीटिंग से पहले, इस जो पब्लिक एड्रेस से पहले, चाहे वो फेसबुक पे हो या ट्विटर पे हो या दूसरों पे हो, वहां पे भी मेरे को यकीन है यही मैसेज उन्होंने दिया है कि भाई आप जितना मर्जी प्रोग्रेस कर ले, एक बम फटा किसी टेररिस्ट का तो आपकी प्रोग्रेस पीछे हो जाए। राशिद जी, बहुत देर से आपसे संपर्क हो पाया, मैं दो बार पहले भी आई थी सवाल लेकर आपके पास। आज प्रधानमंत्री ने भी कांग्रेस पार्टी का नाम तो नहीं लिया लेकिन राजनीति के रंग दिखे, बेटा बेटी और दामाद का जिक्र कर दिया। इस बीच जैम पर भी आपकी टिप्पणी चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने जैम में जो जनधन योजना है उसका जिक्र किया, लास्ट में मोबाइल गवर्नेंस का, और बीच में आधार का भी। राशिद जी, देखिए ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ये भूल गए कि वो कैलिफोर्निया में बोल रहे हैं। ऐसा लगता है कि बिहार के अंदर किसी पब्लिक मीटिंग को एड्रेस कर रहे हैं इलेक्शन के अंदर। बहुत तकलीफ की बात है, शर्मनाक बात है। दामाद का जिक्र, इसका जिक्र, इमरजेंसी का जिक्र, क्या विदेश के अंदर ये चर्चा कर रहे हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप 125 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, और दूसरी तरफ इन तमाम बातों की चर्चा जो देश की राजनीति है वो विदेश के अंदर कर रहे हैं। और अगर आप इतने ही ईमानदार हैं तो आपने ललित मोदी का जिक्र क्यों नहीं किया जो वसुंधरा के घर के मेंबर हैं? आपने क्यों नहीं जिक्र किया कि व्यापम जैसा भ्रष्टाचार भी मेरी सरकार के अंदर हो रहा है? आप कह रहे हैं आपने भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया। आपने क्यों नहीं कहा कि पार्लियामेंट का पूरा एक सेशन सिर्फ भ्रष्टाचार की वजह से नहीं चला है? आप आधार कार्ड की बात कर रहे हैं, आधार कार्ड तो हमारा है, हमारी स्कीम है, उस पर तालियां बजवा रहे हैं। जो भाषण प्रधानमंत्री ने दिया है वो बहुत शर्मनाक है। उन्हें ये अंदाजा ही नहीं है कि विदेश में क्या बोलना चाहिए, देश के अंदर क्या बोलना चाहिए। लेकिन वो वहां भारतीयों को संबोधित कर रहे थे, भारतीयों को संबोधित कर रहे थे। क्या वहां अमेरिकन्स नहीं बैठे थे? क्या वहां अमेरिका के टीवी बंद हो गए थे? क्या ये कैलिफोर्निया था कि पटना था? कल उन्होंने कहा कि संस्कृत में अगर हमारे देश में बोला जाता तो सेक्युलर लोग कयामत बर्पा कर देते। इसका मतलब प्रधानमंत्री सेक्युलर नहीं है, देश को दो हिस्सों में बांट दिया, एक सेक्युलर लोग, एक नॉन सेक्युलर लोग, और प्रधानमंत्री नॉन सेक्युलर हैं। क्या देश के लोग संस्कृत से प्यार नहीं करते? क्या हम संस्कृत से प्यार नहीं करते? अमन जी, आपकी बात पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। राशिद जी, कॉन्स्टिट्यूशन का खिलवाड़ है। ठीक है, संविधान का खिलवाड़ आप इसे बता रहे हैं। अमन सिन्हा जी आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते, वो इस पर जवाब देना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सैप सेंटर सैन होजे कैलिफोर्निया में, और इसके बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तमाम इस पर आ रही हैं। लेकिन आतंकवाद पर एक सख्त संदेश आज प्रधानमंत्री ने, बहुत दिलचस्प है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ राशिद अलवी जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, अमन सिन्हा जी, नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, राजीव डोगरा जी, पूर्व राजनयिक हमारे साथ हैं। एक बहुत दिलचस्प हिस्सा इस भाषण में यह भी था, प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर मैं घूम घूम कर दो दो घंटे 15 दिन भाषण दूंगा
तो मैं घंटों इस पर भाषण दे सकता हूं कि किस तरह से विकास की पूरी ये प्रक्रिया चली है हिंदुस्तान में। मैं एक बार आपके पास अब अमन सिन्हा जी आना चाहती हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि बार बार विदेश की धरती पर जाकर क्यों इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी होती है, आपका जवाब। अमन सिन्हा जी से संपर्क है, वक्त पर कट गया जब उनसे हम जवाब इस पर ले रहे थे, एक बार फिर उनसे के पास जरूर चलेंगे और इसका जवाब लेंगे। इस बीच हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब प्रधानमंत्री वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे। ये तस्वीरें कुछ तो कहती हैं राशिद अलवी जी। देखिए, मैं कहूंगा पैसे का इस्तेमाल लोगों को इकट्ठा करके अपनी तारीफ करना। कैलिफोर्निया में कह रहे हैं कि मुझे आपका सर्टिफिकेट चाहिए। दिल्ली के लोगों ने आपको सर्टिफिकेट दे तो दिया था चुनाव के बाद, क्या आपको इसके बाद भी आपने सबक हासिल नहीं किया? जो कमी रह गई है वो पटना में पूरी हो जाएगी। आपको कैलिफोर्निया में वहां के लोगों का सर्टिफिकेट चाहिए क्या? आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं? देखिए, विदेश के अंदर आप देश की राजनीति करेंगे तो देश की इज्जत में कमी आएगी। देश के अंदर आप जो चाहें बोले, हमें क्रिटिसाइज करें, आप हमारे खिलाफ जो आरोप लगाना चाहें लगाएं, लेकिन विदेश की धरती पर जाकर आप देश की राजनीति कर रहे हैं, अपने ही लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि 125 करोड़ लोगों के आप प्रधानमंत्री हैं, क्या हम उसमें शामिल नहीं हैं? क्या कांग्रेस पार्टी उसमें शामिल नहीं है? तो फिर वो लाइन खींचिए कि आप किनके प्रधानमंत्री हैं, किनके प्रधानमंत्री नहीं हैं। आपने कहा कि मैंने वैसे ही कह दिया कि सब्सिडी छोड़ दो। देखिए, कैलिफोर्निया में जाके आप सच नहीं बोल रहे, आप तो रोज यहाँ टीवी और रेडियो पे एड देते और आप कह रहे मैंने तो वैसे ही बोल दिया था, फिर भी मेरा कहना माना। कि आप देश के प्रधानमंत्री एक राजनीतिज्ञ हैं, माफ कीजिएगा, आप भगवान नहीं हैं, आप कोई देवता नहीं हैं, आप एक देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री के तरीके से ही आपको बिहेव करना चाहिए। जो भाषण दिया है वो शर्मनाक है, उससे गर्दन शर्म से झुक जाती है। अमन सिन्हा अभी हमारे साथ है नहीं कि वो आपकी बात पर प्रतिक्रिया दे, लेकिन जब तक वो जुड़ रहे हैं, इस बीच राहुल गांधी कहाँ है राशिद जी? देखिए, आज आप राहुल गांधी पे बहस करेंगी कि नरेंद्र मोदी के भाषण पे बहस करेंगी? सर, उस शख्स पर मैं बहस तो सवाल पूछ ही सकती हूँ। सर उस शख्स पे तो सवाल पूछ ही सकती हूँ जो विकल्प के रूप में कांग्रेस पार्टी सामने रख रही है, विकल्प के रूप में जिसे सामने रख रही है, उस पर एक सवाल तो बनता है। अगर 15 महीने में 29 बार नरेंद्र मोदी जी विदेश जा सकते हैं, एक महीने में 2 बार का कैलकुलेशन आता है, average. तो क्या राहुल गांधी विदेश नहीं जा सकते? राहुल गांधी को विदेश जाने पे पाबंदी है? राहुल गांधी गए हैं, वो कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए गए हैं, वापस आ जाएंगे? पहले भी उन पे इतना ही शोर मचा था। देखिए, ये कोई मुद्दा नहीं हो सकता कि अगर कोई विदेश जा रहा है, प्रधानमंत्री अगर 29 बार विदेश जाएं, जाके देश की राजनीति करें, तो उन पे आप कुछ कोई उंगली नहीं उठाएगा। राहुल गांधी अगर विदेश चले जाएंगे किसी कॉन्फ्रेंस के लिए, पर्सनल विजिट के लिए, तो देश के अंदर कयामत बरपा हो जाएगी, बीजेपी आरोप लगाना शुरू कर देगी। आज चर्चा इस बात की है कि क्या प्रधानमंत्री को देश की राजनीति विदेश के अंदर करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? ठीक है, और अगर विदेश के अंदर देश की राजनीति करेंगे, तो आप मुझे बताइए, मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं, क्या हम भी विदेश में जाके कहें कि अटल जी की सरकार में क्या क्या हुआ? हम बताएं भ्रष्टाचार कैसे कैसे हुआ? हम बताएं कि शहीदों पर राजनीति हुई? हम बताएं कि कॉफिन्स के ऊपर राजनीति हुई, भ्रष्टाचार हुआ? क्या अच्छा लगेगा? क्या इससे देश की इज्जत दुनिया के अंदर बढ़ेगी? देश की राजनीति देश में कीजिए, विदेश की राजनीति विदेश में कीजिए। हमारे बहुत दुश्मन हैं, चारों तरफ बैठे हैं प्रधानमंत्री जी, हमारी ताक में बैठे हैं। ठीक है, उनका ख्याल कीजिए, उनकी बात कीजिए, यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप की बात कीजिए। और अगर आप भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो आर के सिंह का भी जिक्र कीजिए कि बिहार के चुनाव में
पैसे ले लेके टिकट बांटे गए हैं, मेरे ही एक एमपी ने इल्जाम लगाया। अमन सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो आपकी इन बातों का जवाब देंगे क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है कि बहस दो तरफा हो। मैं लौटूंगी राशिद जी आपके पास, मैं लौटूंगी, आपका साथ जो एक तरह से सार है पूरी बात का वो समझ में आ गया है। राहुल गांधी से बात शुरू हुई थी और बिहार तक पहुंच गई। राहुल कमल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं सीधे सैप सेंटर से। राहुल, आज प्रधानमंत्री ने इस मंच से ये कहा कि मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत है, मैं काम करने में कोई कसर तो नहीं छोड़ रहा, क्या कह रहे हैं लोग जो आपके साथ हैं? इस वक्त हम लोग अंजना सैप सेंटर के ठीक बाहर हैं और कई सारे लोग जिन्होंने प्रधानमंत्री के भाषण को बहुत गौर से सुना इस वक्त हमारे साथ हैं। लोग कह रहे हैं कि विदेश आके उन्होंने एक पॉलिटिकल स्पीच दी, ऐसा आरोप हमारे आज तक के स्टूडियो में विपक्ष लगा रही। क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल स्पीच थी? जी पॉलिटिकल नहीं थी, इट्स ऑल अबाउट इंडिया, इंडिया के बारे में थी और उसमें कुछ भी पॉलिटिकल नहीं लगा। बीजेपी की स्पीच नहीं लग रही थी, इंडिया के बारे में थी, भारत के बारे में थी। और जो हम चाहते हैं कि स्पीच काफ़ी अच्छी थी और मोदी जी बोलते बड़ा अच्छा है, आई होप कि वो डिलीवर कर पाएँ और एनी हेल्प, जो कोई मदद हम लोग कर सकें हम ज़रूर करेंगे। प्रधानमंत्री ने जो तमाम बातें की उनमें सबसे बेहतरीन आपको क्या लगा? सबसे बेहतरीन मुझे लगा ब्रेन ड्रेन के बारे में जो कह रहे थे, जो ब्रेन डिपॉजिट है ये मैं बहुत मानता हूँ। कई साल से इधर रह रहे हैं हम, 16 साल हो गए मुझे और 16 साल से यही सोचते रहते हैं कि इंडिया के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब तक क्या कुछ नहीं कुछ आप? बहुत कुछ कर रहे हैं। यहाँ पर एक रेडियो जिंदगी हमने चैनल शुरू कर दिया है जो 24 आवर्स इधर हिंदी इंडियन एंटरटेनमेंट इधर प्रोवाइड करता है। आपको लगता है कि ब्रेन डिपॉजिट की जो बात की कि हिंदुस्तानी मूल के निवासी वापस जाके कुछ करना चाहेंगे हिंदुस्तान के लिए? एब्सोल्युटली, मैं जितना अभी हम ऑलरेडी कर रहे हैं काफ़ी, अभी रिसेंटली हमने इधर एक गणेश चतुर्थी हमने सेलिब्रेट की जिसमें कोई 40,000 लोग आए, तो हम लोग जितना कम्युनिटी के लिए कर सकते हैं करते हैं, उसमें हम इंडिया के लिए भी जितना कर सकते हैं हम करते हैं। जी आप बताएं क्या खास लगा पीएम? पहली बात तो आपका जो सवाल था वो मुझे लगता है कि मोदी जी ने थोड़ा प्लेटफॉर्म तो यूज़ किया पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए, क्योंकि मोदी जी अब इंडिया में रहते हैं तो बहुत शांत रहते हैं, ज़्यादा बातें उनकी आती नहीं है। एक दो ट्विटर पे उनके अगर मैसेज आ गए तो आ गए, जब वो बाहर निकलते हैं इंडिया से तो काफ़ी वोकल हो जाते हैं, तो डेफिनेटली यूज़ द प्लेटफॉर्म और क्यों नहीं करेंगे। उन्होंने काम अच्छा किया है 16 महीने में, जब उन्होंने छाती तान के पूछा कि मैंने कोई गलत काम किया है तो सारा एक समय बोला कि नहीं आपने कुछ नहीं किया है आपने। पर ये अच्छा है अमेरिका आके ज़्यादातर अमेरिकन से आप पूछो कि मेरा काम हिंदुस्तान में कैसे चल रहा है, क्या ये ठीक था मैडम? यस बहुत ठीक है। हाँ क्योंकि हम हर रोज वॉच करते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, देश को कौन पीछे ले जा रहा है कौन आगे ले जा रहा है, कौन देश के लिए जीता है और कौन देश अपने लिए जीता है। सो वी कैन सी दैट एंड दैट्स द रीजन वी नो दैट ही इज लीडिंग द कंट्री। इस कार्यक्रम के खास ऑर्गेनाइजर्स में से एक भी इस वक्त हमारे साथ आज तक पे मौजूद है। बताएं सर, आपको प्रधानमंत्री ने जो तमाम बातें कही उसमें से सबसे खास क्या लगा? लोग कह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल स्पीच दिया, ऐसा आरोप अभी हमारे स्टूडियो में राशिद अल भी उन पे लगा रहे हैं। आई थिंक इट वॉज अ इंटरनेशनल स्पीच, ही कलेक्ट एड्रेस मेनी टॉपिक्स। हाँ, उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो अधिकारी थे इलेक्टेड ऑफिशियल्स थे उनको नज़रअंदाज लग के टेररिज्म के बारे में, जो कांग्रेसमैन आए 13 कांग्रेसमैन उनके आने की भी एक काफ़ी महत्व है। हाँ, उसी दृश्य से उन्होंने टेररिज्म के बारे में भी स्टेटमेंट दिए हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय टेररिज्म के ऊपर सभी राष्ट्रों ने एकत्रित आना चाहिए और टेररिज्म इज़ अ कॉमन इंटरनेशनल थ्रेट, सो उसके ऊपर उन्होंने एक जोरदार जवाब दिया। आपके लिए बड़ा मौका था, इतने लोगों को आप इकट्ठा किया, सो कंग्रेचुलेशन, वेल डन। आपको लगता है कि ब्रेन गेन की जो प्रधानमंत्री ने बात की ये कभी हकीकत में बदलेगी, सनी कैलिफोर्निया छोड़ के लोग हिंदुस्तान कभी जाएंगे? डेफिनेटली, मैं यहाँ पे 7 साल पहले आया था, मेरे साथ जो दोस्त सब यहाँ पे सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए थे, दे स्टडीड हियर फॉर 2 ईयर्स और यहाँ पे 3-4 साल जॉब की, और मेरे आधे से ज़्यादा दोस्त ऑलरेडी इंडिया चले गए हैं, उसमें से एक मेरा दोस्त उसने ऑलरेडी नरेंद्र मोदी के कैंपेन में ही वॉज पार्ट ऑफ government.in, इट वॉज हिज आइडिया। और मेरे बहुत सारे दोस्त दे आर वर्किंग ऑन इन स्टार्टअप्स, दे आर वर्किंग ऑन सोलर एनर्जी, दे आर डूइंग एनीथिंग, दे आर देर आर सो मैनी, बहुत सारे लोग हैं जो गाँव में चले गए हैं। आपको लगता है कि ये जो चर्चा हो रही कि ब्रेन गेन होना चाहिए हिंदुस्तान में, हकीकत में बदलेगा? हाँ डेफिनेटली, बिकॉज पीपल कम हियर लर्न एंड दे गो बैक एंड यूज देयर नॉलेज टू डू समथिंग देयर, एंड ऑल ऑफ अस आर, हम लोग पेट्रियाटिक हैं,
यहाँ पे एक बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए आए थे और वहाँ पे ये रिजर्वेशन की वजह से हम विपक्षी नेता अंजना हम देख रहे हैं कि विपक्ष की नज़र से प्रधानमंत्री के भाषण को देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जमीन पर लोगों में काफी उत्साह है प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के बाद। बिल्कुल, और कम से कम वहां पर लोग इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषण से लेकर एक ऐसा भाषण बता रहे हैं जिसका देश में लोगों को इंतजार रहता है। हालांकि एक व्यक्ति ने एक ईमानदार तरीके से कहा भी कि प्रधानमंत्री जब देश में रहते हैं तो कम ही बोलते हैं, विदेश में आकर राजनीतिक तरीके से भी रंग भी कई भरते हैं अपने भाषण में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सैप सेंटर सैन जोसे कैलिफोर्निया में भाषण और उसके बाद जबरदस्त राजनीतिक प्रतिक्रिया हिंदुस्तान में। इस बीच राहुल कंवल ने आपको मिलाया वहां पर मौजूद भारतीयों से, जो बेहद खुश हैं इस भाषण से, लेकिन राजनीतिक रंग की बात उनमें से भी कुछ मान रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी सच्चाई ये है राशिद अल्वी जी कि अगर प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसी बातों का जिक्र कर दिया तो वो नब्ज भी लोगों की छूती है, क्योंकि आपने देखा होगा जबरदस्त रिएक्शन था। भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जिसने भारतीयों को हिंदुस्तान में विदेशों में छुआ है, और शायद इसीलिए इस कमजोर नब्ज का वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी का नाम नहीं लिया लेकिन बेटा बेटी दामाद तक पहुंचे, जबरदस्त तालियां बजने लगी। देखिए मैं एक बात कहूंगा आपसे, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम भी उनके साथ खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ती है, लेकिन क्या जिस दामाद का जिक्र किया है उसके खिलाफ किसी अदालत का फैसला है, किसी कमीशन का फैसला है? बेटे और बेटी का जिक्र किया, क्या राहुल गांधी ने कोई भ्रष्टाचार किया है? क्या प्रियंका गांधी ने कोई भ्रष्टाचार किया है? और उनके एमपी ने परसों ही इल्जाम लगाया, आर के सिंह ने, जो होम सेक्रेटरी रहे, के बिहार के अंदर पैसे लेके टिकट बांटा गया, इसकी भी चर्चा करते अगर वो ईमानदार आदमी है। उन्होंने क्यों नहीं ललित मोदी की जिक्र किया कि उन्होंने वसुंधरा के साथ मिलकर पैसे में घपला किया है, उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं? क्या कांग्रेस पार्टी को क्रिटिसाइज करना कैलिफोर्निया के अंदर आप उचित समझती हैं? क्या हम नहीं कर सकते कैलिफोर्निया में जाके बीजेपी के खिलाफ बातचीत? देखिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है, देश की राजनीति देश में कीजिए, हमारे ऊपर जो इल्जाम लगाने दिल्ली के अंदर आकर लगाइए। और वो किसी लड़के ने तो कहा कि देश में तो बहुत कम बोलते, विदेश में आके ये सारी बातें करते हैं, लेकिन शायद उस लड़के को मालूम नहीं है कि वो देश में भी इतना ही बोलते हैं जितना विदेश में बोलते हैं। माफी के साथ कहूंगा, अदब के साथ कहूंगा, प्रधानमंत्री सारे देश के हैं, 125 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री। अगर वही ये तय कर ले कि मैं 125 करोड़ का प्रधानमंत्री नहीं हूं, तो हमें पता चलना चाहिए किनके प्रधानमंत्री हैं किनके प्रधानमंत्री नहीं है। वहां जाके सर्टिफिकेट ले रहे क्या? आपका सर्टिफिकेट चाहिए? सर्टिफिकेट तो दिल्ली के लोगों ने आपको दे दिया, फिर भी आपकी समझ में नहीं आया। आप कह रहे हैं कि संस्कृत में हिंदुस्तान के अंदर सेकुलर लोग हंगामा बर्पा कर देते, क्या ये उचित है? क्या हिंदुस्तान के अंदर संस्कृत में अगर बातचीत की जाए या गान गाया जाए कोई एतराज करेगा? लेकिन क्या ये संभव है? राशिद जी, मेरी छोटी बहन ने संस्कृत में किया सर, ये तो एक तरीका। अच्छा हाँ, आप अपनी बात पूरी कर लें, आप कुछ पर्सनल बता रहे हैं जी। देखिए मैं कहूंगा कि संस्कृत से हमारे देश के अंदर लोग प्यार करते, आप वहां जाके कह रहे हैं सेकुलर लोग हंगामा करते, तो इसका मतलब आप सेकुलर नहीं है। सेकुलर लोग और नॉन सेकुलर लोगों में आपने लाइन खींच दी अमेरिका में जाके, और अगर आप सेकुलर नहीं है मोदी जी, तब तो आप प्रधानमंत्री भी नहीं रह सकते। देश के संविधान के साथ आप मजाक कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल इस तरीके का भाषण है जैसे बिहार के अंदर पटना में किसी पब्लिक मीटिंग को में बोल रहे हो, इलेक्शन की मीटिंग में बोल रहे हो। इस तरीके से भाषण को देश के लोग न पसंद करेंगे और ना इस तरीके से दुनिया में आपकी इज्जत होगी। ये टेम्परेरी फेस है कि 10,000 आदमियों ने ताली बजा दी, लेकिन मैं आज तक से कहूंगा एक सर्वे कीजिए कि कैलिफोर्निया के अंदर फॉरेनर्स इस बात पे क्या विचार करते हैं। जी राशिद, क्या इस तरह भारत की इज्जत बढ़ेगी? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, दुर्भाग्यपूर्ण से अमन सिन्हा जी अपने दर्शकों को बता दें, जरा 5-6 सेकंड का गैप रहेगा अमन सिन्हा के जवाब में और मेरे सवाल के अंत होने में। अमन सिन्हा जी कह रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि बार बार राजनीति होती है, विदेश में जाकर हिंदुस्तान के अंदरूनी राजनीति का जिक्र होता है, नाम उछाला जाता है, दामाद बेटा बेटी पर आज तक कोई केस तो हो नहीं पाया उस तरीके से जिसमें उनको कोर्ट ने दोषी करार दिया हो, फिर क्या इसका जिक्र करना सही है? देखिए अंजना जी, पिछले 15-16 महीनों में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की कमान संभाली है,
पूरे विश्व में भारत का और भारतवासियों का नाम बड़ा है, गौरव बढ़ा है। मुझे नहीं पता चलता कि इससे कांग्रेस के लोगों को क्या तकलीफ होती है, ये मेरी समझ में नहीं आता है। आज के भाषण में भी प्रधानमंत्री जी का बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत शानदार भाषण था, पर क्या क्या राजनीति की बात कर रहे हैं, ना एक बार कांग्रेस पार्टी का नाम लिया, ना किसी का नाम लिया। देश में जो समस्याएं हैं, जो रियलिटी है, उसको तो एक्नॉलेज करना ही पड़ेगा, और अगर उस रियलिटी को एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो आप उस पर कैसे इम्प्रूव करेंगे और काम करेंगे। शर्मनाक तो ये है कि जो कांग्रेस ने जो करतूते किए हैं पिछले 50 सालों में, वो शर्मनाक है, और वो अगर किसी का उसकी तरफ ध्यान जाता है तो कांग्रेस पार्टी जो है वो डेस्परेट होने लगती है, एजिटेटेड होने लगती है। कांग्रेस पार्टी का नाम नहीं लिया, अगर भारत की एडवर्सरी, कांग्रेस पार्टी का नाम तक नहीं लिया, तो क्या तिनके वाली बात हो जाती है? वो भी अगर ये मानते हैं कि भारत